वेलकम टू अवर चैनल सी एस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इसकी हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग डेसिमल को अदर सभी टर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो हमारी वेबसाइट में आपको ये सब मिल जाएगा, जिसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं इसका, ताकि आप वहां से इसके नोट्स कलेक्ट कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप यहां पर हमें देखना है डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल देखना है कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा आपका डेसिमल टू बाइनरी। तो सिंपल है आपका, डेसिमल को बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपका कोई एक नंबर है 125, ये आपका डेसिमल नंबर है, जिसे आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, कहीं पर क्या होता है आपका डायरेक्ट लिखा हुआ आता है ये, और इस टाइप से आपको देगा वो क्वेश्चन में, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो आपको खुद समझना है कि जिसका बेस होता है, जो बेस होता है इसका, वो कहलाता है इसकी कंडीशन, यानी अगर 10 है तो ये डेसिमल नंबर है, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है। दूसरा बेस यहाँ पर आपको दे रखा है 2, इसका मीन्स आपको बाइनरी में इसे कन्वर्ट करना है, 0-1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। इसका सबसे पहले आपने जो भी नंबर है आपका उसको लिख लेना है यहाँ पर, और इसे 2 से डिवाइड करना है, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। तो 2 6 12, 2 2 4, रिमाइंडर बचा आपका 1, ये आपने नोट डाउन कर लिया। फिर से 2 2 3 6, 2 1 2, यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचा है 0। रिमाइंडर आपका 0 हो 1 हो, दोनों आपने लिखने हैं। 2 1 2, 2 5 10, 1 आपका रिमाइंडर बच गया। 2 7 14, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 3 6, 1 रिमाइंडर आपका बच गया। 2 1 2, और 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच गया है। तो आप इस वाले नंबर को भी एज अ नोट करेंगे रिमाइंडर। तो अब अगर आप बात करें तो ये आपका होता है MSB, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं LSB। तो जब आपको इसे बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। तो फर्स्ट जो नंबर आप लिखेंगे, तो अगर हम 125 का डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की फॉर्म में लिखते हैं तो आपने नीचे से लिखना है, यानी 1, फिर आपका ये टर्म आएगा 1, फिर आपका ये वाला 1 आएगा, फिर आपका ये 1, 1 1 0 1, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेम सेकंड पॉइंट है आपका डेसिमल को डेसिमल टू ऑक्टल। अब आपने डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सेम एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। 125 आपका एक डेसिमल नंबर है जिसे आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। आपने बेस देखना है 10 है, यानी ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल का मतलब 8 है, इसकी वैल्यू जो होगी 0 से 7 के बीच में आएगी इसके अंदर, जबकि डेसिमल में जो नंबर होते हैं आपके वो 0 से 9 के बीच में होते हैं। तो देखते हैं इसका कन्वर्जन। इसके लिए भी आपने सीधे वही करना है, आपने इसे क्या करना है, 125 को 8 से डिवाइड करना है। सिंपल है, कोई भी नंबर डेसिमल को अगर दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8 1 8, कितना बचा आपका, 4, 45 हो गया। 8 5 40, बच गया आपका 5 रिमाइंडर। इसके बाद 8 8 1 8, 7 आपका रिमाइंडर बच गया है। तो ये आपका, अब जब आप इसको, ये भी नोट डाउन कर लेंगे आप, जब आप इसको राइट अप करेंगे तो नीचे से आपने ऊपर की तरफ चलना है। तो ये MSB है, ये LSB है। तो 125 डेसिमल नंबर का जो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया वो हो गया 175, ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। और आपने ये भी याद रखना है, अगर यहाँ पर बेस 8 है तो इसके अंदर जो डिजिट आएंगे वो 8 से लेस ही होने चाहिए, जैसे 1 8 से लेस है, 7 लेस है, 5 भी लेस है, तो यानी ये आपका राइट है। और यहाँ 10 है तो यहाँ पर आपका 1 से 9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर यहाँ पर आपका बेस 2 है तो इसके अंदर 0 और 1 ही आएगी, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो ये सिंपल आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें भी आपने सेम एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो 125 ये डेसिमल नंबर है जिसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बेस आपने देखना है 10 है और इसका बेस कितना है 16, यानी इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी 0 टू
एफ तक आती है, यानी 0 से 9 तक वैल्यू होगी, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ होता है आपका, ये 15 तक आपका जाएगा। तो सिंपल इसमें भी आपने क्या करना है, डिवाइड ही करना है, 125 को 16 से डिवाइड करना है। 16 का टेबल अगर हम 125 में देंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर 16 का 125 में हमने टेबल देना है, तो 16 7 जो होता है आपका 112 रिमाइंडर आपका बच गया यहाँ पर 13 रिमाइंडर बच गया है। तो 16 7 जो है आपका वो हो चुका है 112, रिमाइंडर आपका बचा है 13 बचा है, बट 13 को एज हम जब हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 10 आपका ए होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है और ये आपका क्या होता है 13, ये 14 होगा और ये 15 होगा। तो आप 13 के लिए जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे आप डी, तो यानी इसको हम डी लिखेंगे। उसके अलावा आपका रिमाइंडर 7 बच चुका है, ये आपका रिमाइंडर जाएगा, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ से लिख देना है। तो यानी 125 अगर आपका डेसिमल है, इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 7D, ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। थैंक यू फ्रेंड।